कब से 16 साल से यहाँ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम कोई भी केमिकल नहीं डालते, प्योर अपने बीज बचाते हैं और अपना बीज बचा के दोबारा बोते हैं और उसी को बीज को अच्छा अच्छा बीज निकाल के और वही बीज हम अच्छा जो पक्के बीज होते हैं उसको निकाल के सुखा के अच्छे डिब्बों में पैक करके शाम रखते हैं, फिर उसी बीज को हम दोबारा बोते हैं और 16 साल से हम वही बीज आगे आगे बढ़ा रहे हैं। जितना बीज वो क्या कह रहे थे खराब हो रहे थे वो बीज हम सब जीवित रख रहे हैं, जो बीज लुप्त हो रहे थे वो बीज हम जीवित रख रहे हैं। बहुत सारे पुराने धान हमारे पास हैं, जैसे जो धान हमारे गढ़वाल में भी नहीं मिलते हैं अब, वो धान हमारी यहीं संस्था में सब धान मिलते हैं। समस्या तो अभी हमारे पास तो कोई नहीं, हमारे पास तो सही है सब कुछ, हमारा जितना हम अनाज लगाते हैं हमारे सही मिल रहे हैं और हमारे पास अभी कम से कम 500 किस्म की तो वैरायटी तो धान है, सभी लगा के हमारे पास काफी वैरायटी है अलग अलग, जैसे मंडुआ है, जंगोरा है, 2-3 किस्म का मंडुआ हो गया, जंगोरा हो गया, दालें हैं, तिल है, जख्या है, जितने भी अनाज गढ़वाल में होते हैं उतना अनाज हमारे पास भरपूर है यहाँ इस समय, और अरबी है, हल्दी है और ये आम में अदरक है, हल्दी अदरक आम में अदरक सारे चीज हैं, बंजीर तिल सब चीज मौजूद है जो चीज हमारे गढ़वाल में पहले पैदा होती थी। बीज लाते हैं लोग जैसे बाजार के, तो उसमें एक साल होते हैं दूसरा साल नहीं होते हैं। और गोबर लोग कम डालते हैं, यूरिया डाई डालते हैं, वहाँ पानी नहीं मिलता तो सूखा से मर जाते हैं सूखा। अब जब अच्छा गोबर डालते रहते हैं, गोबर डालते नहीं है, यूरिया डाई डालते हैं, उसमें पानी मिलता नहीं टाइम पर, तो बिना पानी का वो ख़त्म हो जाता। और हम लोग तो ऐसे हैं कि हम खाली गोबर की खाद कंपोस्ट खाद डालते हैं, हमारा पानी कम भी मिलता तो हमारा अनाज अच्छा होता है। और ये बाहर की चीज़ तो ये साल ले आओ एक साल तो अच्छी फसल देगी, दोबारा वो फसल देती नहीं है, और उसमें यूरिया डाई डालो तो हाथ पैर काफ़ी परेशानी हो जाती है उन लोगों के लिए। तो ये बाहर के किसान तो कोई ज्यादा करके अपने बीज नहीं बचाते हैं, बचाएंगे तो सिर्फ ये साल लगाया दूसरे साल के लिए बदल देते हैं बीज, एक साल बाद दो साल बाद बीज बदल देते हैं। जैसे सब्जी का बीज हमने पिछले साल दिया ये साल भी मांग रहे, जैसे उन्होंने इसलिए किया कि जो लोन लिया लोन में खेत में अनाज तो हुए नहीं, बीज तो उनके इतने खास अच्छे मिले नहीं, खेत खराब हो गया, कभी पानी नहीं मिला, जब बीज हासिल नहीं हुए तो वो लोन कहाँ से चुकाते, जब लोन चुकाने के लिए नहीं हुए तो क्या करते, वो अपने वही तो करते अपने खुशखुशी तो करते और क्या कर सकते, लोन कहाँ से चुकाते। उनको यही सलाह देनी चाहिए कि कहीं अच्छे बीज ले आओ, अच्छा बीज अपने खेत में लगाओ, थोड़ी सी बीज खरीदो उनको बीज बढ़ाओ, बीज बढ़ा के जैसे अच्छी खाद डालो, गोबर की खाद डालो, कंपोस्ट डालो और इसमें अपना बीज बनाओ और अपना बीज आगे 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 बढ़ाओ। अभी जैसे हम 2 किलो बीज लागे, 2 किलो में हमने बढ़ा दिया, अगले साल के लिए हमारे ज्यादा हो गए और आगे के लिए हमारे और ज्यादा हो गए, तो हम अपने खेत में पूरे फिर हरा भरा खेत बना सकते हैं पहले जैसे।